दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टडी, बट स्टडी से ऊपर एक चीज और आती है जिसे टॉपर्स जाने अनजाने में फॉलो करते हैं। टॉपर को पता होता है कि अगर उसने 90% जितना पढ़ा है तो कैसे उन 90% को 95% तक ले जाना है बाय यूजिंग सीक्रेट ट्रिक्स। तो अगर आप कुछ बातों को जो मैं वीडियो में बताऊंगा उनको फॉलो करते हो तो नो डाउट आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप लिखोगे तो वही जो आपको आता है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, लेकिन उसी कंटेंट के साथ आपके मार्क्स बूस्ट होंगे प्रोवाइडेड यू यूज दीज टिप्स। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, डोंट स्टडी। जी हाँ, सही सुना आपने, पढ़ाई नहीं करनी है। अगर मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं ना, तो पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन कब? एग्जाम के एक दिन पहले। एग्जाम के एक दिन पहले किताबों को हाथ भी नहीं लगाना है। लेकिन क्यों? दरअसल एवरेज स्टूडेंट जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वो एग्जाम के एक या दो दिन पहले सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि बचा हुआ सिलेबस भी एक या दो दिन में कवर कर लेता हूँ, जिससे मेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नया पढ़ने से फालतू का दिमाग पर प्रेशर क्रिएट होता है। जो पढ़ा है वो भी स्टूडेंट भूलने लग जाता है। सेल्फ डाउट होता है, मेरा एग्जाम में कुछ हो पाएगा या नहीं, इस तरह के भी थॉट्स आने लगते हैं। बस एक लाइन याद रखनी है, पूरे साल पढ़ाई की होगी या थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की होगी तो एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी तो भी एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है एग्जाम के एक दिन पहले, जानेंगे अगले पॉइंट में। नंबर 4, SMNR। जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने की बजाय वो एक टेक्निक फॉलो करते हैं जो उनके मार्क्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है, जिसे मैंने SMNR नाम दिया है। S means sleep। जी हाँ, स्लीप में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए ब्रेन ऑप्टिमम लेवल्स पर काम करना चाहिए। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें बिफोर अटेम्प्टिंग योर पेपर। सेकंड थिंग इज M, मींस मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना है ताकि आपका दिमाग शांत रहे, फोकस्ड रहे, और आप पेपर में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओ। एंड N मींस न्यूट्रिशन, मतलब अच्छा खाना खाना है। चावल, समोसा, कचौरी, तली गली चीजें नहीं खानी है। एंड लास्टली R मींस आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, लेकिन नया कुछ नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर आपको खुद को शांत रखना है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, अनइजीनेस नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई दो बातें जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले ध्यान रखनी है। आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है और दिमाग को शांत रखना है, लेकिन कुछ बातें हैं जो पेपर शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखनी है। तो वो क्या है, बताता हूँ अगले पॉइंट में। नंबर 3, यूज 15 मिनट स्मार्टली। दोस्तों, पेपर सॉल्व करने से पहले 15 मिनट पेपर एनालिसिस के लिए दिए जाते हैं। आपको उन 15 मिनट्स को ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो 15 मिनट्स आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर हासिल करने में रामबाण साबित हो। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम का पेपर देखने के बाद घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं, यार पेपर तो बहुत टफ है, मुझे तो पेपर में कुछ भी नहीं आता है, अब मेरा क्या होगा, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। वहीं दूसरी तरफ वे बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो पेपर को देखने के बाद खुश हो जाते हैं और ओवर एक्साइटमेंट के कारण वो एग्जाम में कई सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और बोर्ड एग्जाम में सब कुछ आने के बावजूद कम नंबर लाते हैं। तो आपको इन दोनों कंडीशंस से बचना है। अगर पेपर हार्ड आता है तो भी घबराना नहीं है, और इजी आता है तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अगर पेपर हार्ड है तो वो आपके लिए ही नहीं, कई सारे बच्चों के लिए हार्ड होगा, ये सोचते हुए पेपर सॉल्व करना है और उन 15 मिनट्स में डिसाइड कर लेना है कि मैं सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करूंगा और कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करूंगा। आपको अपने ब्रेन में पहले से ही एक माइंड मैप बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर अटेम्प्ट करना है। यदि आप इस तरह से अपने 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करते हो तो ये 15 मिनट्स आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करने में रामबाण सिद्ध होंगे। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार थोड़ा और समय होता ना तो पेपर कंप्लीट हो जाता, टाइम की कमी की वजह से मेरे 2 आते हुए क्वेश्चन छूट गए। दरअसल ये टाइम की कमी की वजह से नहीं होता है, ये होता है उनकी लापरवाही की वजह से। हर स्टूडेंट को पेपर खत्म करने के लिए एक समान ही समय मिलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ही उस गिवन टाइम में पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट संबंधित ये गलती अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को ले डूबती है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जो एक एक या दो दो
दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, और बाद में आते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन जिनमें डिटेल में आंसर लिखना होता है, उनको 3 या 4 लाइन में निपटा देते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये सोचकर भी टाइम बर्बाद करते हैं कि मुझे तो 5 नंबर का प्रश्न नहीं आता यार, अब मैं क्या करूं, पूरे पेपर में 30 क्वेश्चन है, और अगर उसे 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो स्टूडेंट्स उन आते हुए क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेंगे, वो उन क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे जो उन्हें नहीं आते हैं, उसके कारण आते हुए क्वेश्चन में भी वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों के कारण सही से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और पेपर समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब इस चीज का केवल एक ही सॉल्यूशन है, आप किसी भी क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा टाइम मत दो। ये कभी मत करना कि यार चलो बाद में टाइम कवर कर लूंगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देता हूँ, बाद में कुछ कवर नहीं होने वाला है। अगर आपका पेपर 80 नंबर का है और पेपर खत्म करने के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट्स मिले हैं, तो आपको 160 मिनट में ही पेपर खत्म करना होगा, यानी 1 मार्क के लिए आपके पास 2 मिनट है। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसे 10 मिनट से ज्यादा मत देना। नंबर 1, रीच 20 मिनट्स बिफोर। दोस्तों पेपर अटेम्प्ट करने से पहले का 1 घंटा बहुत मैटर करता है। अगर आप उस 1 घंटे में खुद को संभाल लेते हो, खुद को शांत रखते हो, तो आपका पेपर अच्छा होगा, इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। यानी अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। यानी कि अगर आप घाय घाय में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे या लेट हो जाओगे तो वैसे ही आपका सारा मूड खराब हो जाएगा। तो आपको 20 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना है, घर से जल्दी निकलना है, और वहां जाने के बाद किसी से बात नहीं करनी है, शांति से बैठ जाना है। तो दोस्तों अब बारी आती है वीडियो के टेक अवे की, यानी इस वीडियो से क्या चीज आपको आपके साथ ले जानी है। सबसे पहली चीज, एग्जाम के 1 दिन पहले खुद को काम एंड कंपोज्ड रखना है एंड कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। खुद को विश्वास दिलाना है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा पेपर अच्छा होगा। इसके अलावा आपको 20 मिनट्स पहले एग्जाम हॉल पहुंचना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है एंड स्टार्टिंग के 15 मिनट्स अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को